भक्ति ने एक बात ये पूछी थी कि महाराज आप कहते हैं कि ये कलयुग के कारण ये सब दुख आ गए, प्रभाव आ गया, कलयुग कैसे आया यहाँ पर, क्यों आया था? तो नारद ने कहा कि देखिए, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी थी तो आ गया वो यहाँ। कि कलयुग में जगह क्यों ली, यहाँ कलयुग ने क्यों यहाँ पर स्थान लिया, परीक्षित को क्या जरूरत पड़ी थी कि कलयुग को बुला लिया, यहाँ बिठा लिया ला करके। नारद ने कहा हे भक्ति देवी सुनो, कलयुग के बीसों दोष हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा एक गुण भी है, क्योंकि कलयुग में पाप है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, अवज्ञा है, ये बीसों पाप हो सकते हैं लेकिन कलयुग में एक बात यह है कि बिना खर्चे से भगवान की प्राप्ति है। कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग के भगवान का नाम नाम लेकर के भी मनुष्य तर जाता है। जरूर तो ऐसे भी नहीं है कि आप भगवान को कहते हैं धूप कर लो, पूजा कर लो, ये कर लो, भगवान का नाम संकीर्तन करके ही, जैसे आप लोग कर रहे हैं, कहते हैं भगवान का नाम संकीर्तन कर करके भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। असल बात तो मन को शुद्ध करने की है, मन को प्योर करने की है, जो हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, अपवित्रता है हमारे मनों में, ऐसे सत्संग में आकर के, कथाओं में आकर के वो दूर होती है। कहते हैं ऐसे सत्संग में आकर के मन पवित्र हो जाता है, ये कलयुग का प्रभाव है। इससे पहले क्या था बाकी युगों में, कि केवल मनन था कि भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, वंदन करो, अर्चन करो, ये करो, वो करो, लेकिन कलयुग में छूट दे दी कि आपको टाइम नहीं है तो केवल आप कीर्तन करो भगवान का, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, ये भी जपते जपते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कहते ये सबसे बड़ा गुण कलयुग को है। और दूसरी बात ये कि कलयुग में नाम जपने के लिए किसी को मना ही नहीं है, कैसी भी अवस्था हो आपकी, पवित्र अपवित्र हर अवस्था में आप झूठे मुंह हैं कहते तो भी आप भगवान का नाम जप लो कोई बात नहीं, आप सोए हुए हैं तो भी जप लो कोई बात नहीं, किसी भी अवस्था में। लेकिन बाकी जो भगवान के पूजा पाठ है या गायत्री मंत्र का उच्चारण है, गायत्री का जप है, वो शुद्ध अवस्था में ही कर सकते हैं, उसके लिए नियम है पार्टिकुलर के, इस नियम के अनुसार आप ये पूजा पाठ करेंगे। लेकिन भगवान का संकीर्तन करने के लिए कोई निषेध नहीं है, छोटा बड़ा, बड़ा अमीर गरीब कोई भी भगवान के कीर्तन में आ जाए, सब मजा ले, सब आनंद ले, ये छूट है कलयुग में दी हुई भगवान के नाम संकीर्तन के लिए। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि भगवान का नाम स्मरण करने से मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है। चाहे कहते कोई आदमी ये भी ना सोचे कि मैं अपना बेड़ा पार करने के लिए नाम जप रहा हूं, ऐसी अनिच्छा से भी कोई जप ले तो काम आ रहा है। अनिच्छा से कैसे हो सकता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मेरे पाप दूर हो लेकिन मैं जप रहा हूं राम राम। तो उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि हरि हर अति पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छन्तपि संस्पर्शे तत्तेवाहि पावकम्। कहते एक आग जली हुई है, चूल्हे में आग है, बच्चा छोटा खेल रहा है, अब बच्चा नहीं चाहता है कि मैं जलूं, अब जलना तो बुरा लगता है सबको, बच्चे की माँ भी नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा कभी अग्नि में हाथ डाल दे, और अग्नि का ये नियम है कि जो हाथ डालेगा वो जलेगा, वो छोड़ेगी नहीं किसी को। अब बच्चे ने हाथ डाल दिया, बच्चा नहीं चाहता है कि मैं जलूं, मैं अपने आप को जलाऊं, लेकिन हाथ ना चाहते हुए भी बच्चे ने अग्नि में हाथ डाला और हाथ जल गया। इसी प्रकार कहते हैं ना चाहते हुए भी आपने राम नाम लिया, आप नहीं चाहते थे कि मेरा बेड़ा पार हो, कि मैं उस काम के लिए बेड़ा पार करने के लिए नाम ले रहा हूँ, आप नहीं चाहते तो भी कहता है जैसे अग्नि में जला दिया, इसी प्रकार भगवान ने वो आपके पाप जलाए, आप नहीं चाहते हैं लेकिन जैसे अग्नि में हाथ डाल देता है अनिच्छा से भी कोई बालक, ऐसे ही अनिच्छा से अगर आप भगवत भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कहते हैं आपके पाप जो है वो जल जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान वैराग्य का आपस में ये संवाद हुआ, और उधर जब 7 दिन पूरे हो गए, बड़े आनंद से सबने संकीर्तन किया, वापिस गए लोग अपने स्थान को जहां जहां से आए थे। सूत जो सौनक इत्यादि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, वो प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषि सौनक इत्यादि कि महाराज आप ये बताओ
कि ये जो कथा सुनी जाती है इसमें शांति कैसे मिलती है। आपने कहा कि शांति मिलती है कथा श्रवण से, सत्संग से शांति की प्राप्ति होती है। पहले ये बताओ कि आपको मिल रही है, है जी? आप यहाँ पर बैठे हैं, इतने बैठे हैं जी, कुछ लग रहा है हल्का मन इस टाइम में? तो घर में क्या होते, जमाइया मार रहे होते या तो ठीक है, ये पति पत्नी थोड़ा सा नोक झोंक कर रहे होते है ना जी, ऐसा नहीं कर दिया वैसा नहीं कर दिया, उससे भी छुटकारा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या कहीं ना कहीं किसी चिंता में फंसे होते हैं। तो कम से कम अगर आप यहाँ बैठे हैं तो उन चिंताओं से तो मुक्त है, थोड़ी देर के लिए शांति तो मिल रही है, ठीक है ना। यही यही अभ्यास है, यही प्रैक्टिस है, यहीं से धीरे धीरे अभ्यास बनता है और लगातार फिर शांति मिलती जाती है। तो कहा विहाय कामान सर्वान पुमाश्चर्ति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारो स शांति मधिगच्छति। कहते पहले तो यही बताया, पहला नुक्ता शांति प्राप्त करने का उन्होंने भी यही लिखा भागवत में, विहाय कामान के कामनाओं को थोड़ा छोड़ना, बहुत ज्यादा कामनाएं पाल रखना मन में यही अशांति है। अनेक कामनाओं की बजाय थोड़ी सी इच्छा रखिए और उसके बाद निष्प्रिया होकर के जीवन जिए, ठीक है, संसार में उसी प्रकार निष्प्रिया होकर के रहिए, उसी प्रकार व्यवहार करिए जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंद गिरती है लेकिन कमल का पत्ता गीला नहीं होता, पानी ऊपर है गीला है नहीं है। अरबी का पत्ता होता है, कचालू का पत्ता, सेम उसी प्रकार पानी इसके ऊपर होता है बूंद, लेकिन अगर लुढ़क जाए नीचे गिर जाए तो पत्ता गीला नहीं है। हालांकि हमारे हाथ में अगर पानी हो जाए, हम पानी गिरा दे तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, लेकिन ये जैसे कमल का पत्ता जो है, कमल का फूल वो गीला नहीं होता पानी में रहने के बावजूद भी, निष्प्रिय है, उसको पानी से कोई लगाव नहीं है, टिका हुआ है ठीक है, जरूर पानी के ऊपर है लेकिन लगाव नहीं है। इसी प्रकार अरबी है, अरबी का पत्ता है, पानी उसके ऊपर टिका हुआ है पर पानी से प्रेम नहीं है उसको कि मैं इसको आत्मसात कर लूंगा, गिर गया तो गिर गया जा परे जा, वो बहुत खत्म। ये कहते हैं निष्प्रिय होकर के जो प्राणी जीता है संसार में, सशांति मधिगच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है। तो शांति प्राप्त करने का ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। उसके बाद कहा कि अच्छा आपने कहा महाराज के पाप कट जाते हैं, कैसे पाप कटेंगे? तो कायेन वाचा मनसा पातकं प्रकुर्वन्ति सथा हठेन ये। और उसके बाद कहा पर स्वपुष्टा मलिना दुरास्या सप्ताह यज्ञेन कलोपुनन्ति, कि इस शरीर के द्वारा तीन प्रकार के पापों की गिनती कराई गई है, कायिक वाचिक और मानसिक, तीन प्रकार के पाप ये हमारे सनातन में बताए, बाकी जगह है नहीं। बाकी जगह कायिक पाप यह कि हमने शरीर से पाप कर जो दराट उठाया, किसी को मार दिया ये पाप हो गया, किसी को थप्पड़ मार दिया ये पाप हो गया, चींटी को मसल दिया पैर से पाप हो गया, शरीर के द्वारा ये पाप। लेकिन देखिए हमारे सनातन की विशेषता, वाचिक पाप को भी पाप कहा गया है कि मैंने मुंह से अगर किसी को गालियां निकाल दी वो भी पाप है, मैंने किसी को बुरा जीवा से बोला ये भी एक पाप है। शरीर के द्वारा बुरा कर किसी का करना वो तो पाप है ही है, लेकिन जीवा के द्वारा भी अगर बुरा किसी का बोल रहे हैं वो पाप है। और सबसे बड़ा देखिए विशेषता हमारी मानसिक पाप, मन से, कि मन से हमने सोच लिया कि मैंने इसका बुरा करना है, इस आदमी ये इसका बुरा करना है, इसका बुरा करना है, तो क्या है उसके बारे में क्या लिखा गया है, ये मानसिक पाप सबसे बड़ा खराब होता है, इसको भी पाप की श्रेणी में ही रखा गया। किसी के बारे में मन से बुरा सोचना, करना तो बात दूर की, लेकिन बुरा सोचना ये मर जाए, है ना, इसने ऐसा कर दिया, ये हो जाए वो हो जाए, कहते ये मानसिक पाप है। तो इन तीनों प्रकार के पापों से मनुष्य जो है वो सप्ताह यज्ञ इस भागवत शास्त्र की कथा श्रवण करने से पुनन्ति पवित्र हो जाता है। पर ये बात नहीं कि पिछले पाप किए आज पवित्र हो गए और कल जाएंगे फिर दराट झुकिया फिर कुछ इधर दवाई कटी थे लै भाई कहीं फिर भागवत सुन लिया भाई एक भागवत और सुनिया हुए बुद्ध की है पाप टाई में जान ऐसा नहीं है। यानी एक बार गलती हो गई हम प्रायश्चित कर दिया, यहाँ पर आपने यहाँ पर माफी मांग ली कि भगवान आज तक जो मैं गलत काम करता आया वो यही चढ़ा दिए आपके चरणों में, अब मैं पापों से निवृत्त रहूं शुद्ध बुद्ध होकर के रहूं सदा, तो है भागवत सुनने का फायदा। लेकिन यहाँ सुना भागवत कि मेरे पाप पिछले दूर हो गए और फिर दोबारा पापों में संलिप्त हो गया व्यक्ति, तो वो नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ कि ये मन से होता है ऐसा कि मन से अगर हम कंट्रोल नहीं करें अपने आप को कि हम पाप नहीं करेंगे। एक बार
शिव पार्वती कैलाश पे बैठे हैं और कुंभ का मेला हरिद्वार में लगा है। पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, महाराज कुंभ का मेला लगा है, दुनिया नहा रही है, और जो कुंभ में स्नान करता है उसके दुनिया दुनिया भर के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा सुना है। तो अब तो ये हमारे इस उत्तराखंड के सारे लोगों के पाप धुल गए, सब नहा रहे हैं हरिद्वार में कुंभ में जाकर के। शंकर भगवान ने कहा एक के भी नहीं, एक के भी पाप दूर नहीं हुए। नहीं नहीं महाराज, तो फिर ये आपकी बात फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी ये कही हुई बात कि पाप धुलते हैं गंगा में। चलो फिर परीक्षा लेते हैं इन लोगों की। अब शंकर भगवान ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और पार्वती जी ने भी एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया और गंगा के किनारे एक खड्डा था, पानी उसमें भरा था खड्डे में, और शंकर भगवान ने अपने आप को वहां डुबो दिया और पार्वती को कहा तू चिल्लाना शुरू कर दे, तू बोल बचाओ बचाओ। लोग नहा करके जा रहे हैं कुंभ का मेला, तो चिल्लाई वो बचाओ बचाओ मेरे पति पानी में डूब गए। तो सारे दौड़े, हम बचाते खड्डा को बड़ा गहरा तो था नहीं, हम निकाल देते, दिख रहा था हाथ उसका, हम निकालते हैं। तो पार्वती ने प्रश्न किया उन लोगों से कि देखो मेरे पति को वो निकाल सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो, जो पापी है वो भस्म हो जाए, हाथ लगाएगा तो भस्म हो जाए। वो सारे हटी गए, बोले तो पाप था सब बड़े कितने जितने पीछे चले हैं, बोले मिंजोते भी हुए हो गए, और उन्हें बोले मिंजोते भी हुए पाप है, मेरे से पाप हुआ है। भीड़ थी लगी हुई, पहले तो सारे दौड़े, हम उठा देते बाहर निकाल देते, ना हो भाई पाप तो मैं भी कितने है ना, ये तो मान मान हुआ, आपको पता होता दुर्नि अपने अपने पाप क्या क्या है, समाज को पता थोड़े होता है। सबसे ज्यादा इमेजिनेशन आप अपने बारे में खुद ही कर सकते हैं, तो दूसरा आदमी जज नहीं कर सकता आपके अंदर को, वो आप ही अपने जज हैं अपने अंदर के भीतर के। तो सारे हट गए, शंकर भगवान मुस्कुराए पार्वती की ओर देख के, देख भाई आप बोलते थे इनके पाप धुल गए, ये तो बोल रहे हैं अपने आप बोल रहे हैं आदमी कि हमारे पाप नहीं अभी धुले, हम तो पापी है पापी है। इतने में एक फंकड़ आदमी आया कोई बेचारा, बड़ा भारी पापी था वो भी, न जाने चोरी डाका क्या क्या किया होगा। तो पार्वती ने कहा वही के निकालो इसको पानी से, उसने कहा निकाल देता हूँ। तो पार्वती ने कहा देखो निकालना तब अगर आपने पाप नहीं किया है। तो उसने कहा देवी माता, हे माता मैं तो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन मुझे आस्था है अपने धर्म पर, मुझे आस्था है गंगा मैया पर, मैंने सुन रखा है कि जो गंगा मैया में कुंभ में यहाँ आकर के स्नान करता है उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं, और जो मेरे पाप अभी नहा करके खत्म हो गए, वस्त्र भी गीले हैं, वहां से यहाँ तक आने तक अभी तक मैंने एक भी पाप नहीं किया है, मैंने छोड़ दिए पाप। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मैं निकालता हूँ तुम्हारे पति को बाहर। जो ही उस भोले आदमी ने, भी भोला आदमी है, जो ही उसने सच बोल दिया, जो ही उसने हाथ बढ़ाया डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कि शंकर भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, उस व्यक्ति को दर्शन दिए, उसके पाप धुल गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि यहाँ पाप धुल गए, लेकिन कल से हम दोबारा उन पापों का आचरण न करें। तो कहे ऐसे ऐसे आदमी, पापी आदमी भी अगर भागवत की कथा में आ जाए, सत्संग कर ले, तो उनके पाप धुल जाते हैं। महाराज ऐसी कोई उदाहरण है कि आपके पास? सूत महाराज के आगे सौनकादि ने पूछा कि महाराज कोई उदाहरण है कि किसी का पाप यूं पापी आदमी का धुल गया हो? तो कहने लगे हाँ, ऐसा ऐसी एक कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी तीरे, तुंगभद्रा एक नदी है कर्नाटक में बहती है, वहां पर एक कुंदनपुर नामक शहर है और एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। वो बड़ा प्रसन्न आत्मदेव ब्राह्मण, संतुष्ट रहने वाला, वैसे ब्राह्मणों का लक्षण ये होता है कि वो संतुष्ट रहे। ब्राह्मण का पहला लक्षण क्या है, जो असली ठीक से ब्राह्मण है, संतुष्ट रहने वाला, मस्त रहने वाला, खुश रहने वाला, ये होता है ब्राह्मण का लक्षण। और असंतुष्टश्च विप्रह नष्ट संतुष्टश्च महीपति, ये शास्त्र कहता है ब्राह्मण जो असंतुष्ट रहता है, जिस ब्राह्मण के मन में संतोष नहीं है वो नष्ट हो जाता है, वो टिकता नहीं है। ब्राह्मण वही टिकता है जो संतोषी हो, और राजा असंतुष्टश्च विप्रह नष्ट संतुष्टश्च महीपति, लेकिन कोई राजा अगर
ब्राह्मण की तरह संतोषी बन जाए कि मैं बस संतुष्ट हूँ हर जगह से, घर बार जगह मकान संतोष ना बना ले, कुछ नहीं चाहिए। राजा अगर सोच ले तो ऐसा राजा नष्ट हो जाता है असंतुष्ट रहने वाला, क्योंकि राजा को कभी संतोष करना ही नहीं चाहिए। उसको अपनी संपत्ति, अपना खजाना, अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए और आगे से आगे लालच हमेशा राजा को रखना चाहिए। तो उसका राज्य विस्तृत होता है, प्रजा सुखी रहती है और संपन्न उसका देश रहता है। अगर वो तसल्ली कर ले ब्राह्मण की तरह बैठ जाए चुप राजा भी कि नाम कुछ नहीं करना नहीं है मैं संतुष्ट हूँ, तो क्या होगा? उसने तो राजा ने तो तनख्वाह भी देनी है सैनिकों को, नौकर चाकर है, सबको सिस्टम चला हुआ है, सरकार है मान लो राजा। अगर सरकार कुछ भी ना करे, इधर उधर के साधनों को ना अपनाए, संतुष्ट करके बैठ जाए अपने मन को कि बस जो बजट पिछला चला हुआ पिछले साल का उसी से इस साल भी काम चला लेंगे, तो उसको कहा ऐसा राजा नष्ट हो जाता है, तो काम प्रजा का चलता नहीं है। तो ऐसा वो आत्मदेव संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण, लेकिन अब संतुष्ट भी कितना रहे। घर में पत्नी जो थी उसका नाम था धुंधली, जैसा नाम वैसा काम, उसकी बुद्धि पर धुंध चढ़ी हुई है, पर्दा चढ़ा हुआ है यानी, और वो नित्य कलह करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, पति को तंग करने वाली, मते कर है सिस्टम है जी, परेशान कर रखती है। और ऊपर से क्या था, इनके घर में औलाद कोई नहीं थी। जब जिस घर में कोई संतान नहीं होती है, ध्यान देना, जिस घर में संतान नहीं हो वहां पति पत्नी बड़े परेशान रहते हैं, झगड़े बड़े उसी घर में होते हैं, आपसी झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि अगर बच्चे सामने हो तो झगड़ा शांत आराम से हो जाता है, बच्चा माता पिता की गोदी में बैठ जाता है, एक दूसरे को मिला देता है, बातचीत कर लेते हैं, बच्चों के बहाने ही सही चाहे। लेकिन जहां बच्चे ना हो तो उस घर में किलकारियां ना, जिस घर में गूंजती हो वहां अशांति रहती है, कलह रहता है उस घर में। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इनके आत्मदेव और धुंधली के घर में संतान नहीं थी, अनेक उपाय किए संतान के लिए लेकिन संतान हुई नहीं। धुंधली जो थी ये बड़ी चालाक थी कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, लोगों ने गल्ला च ध्यान देना, घरे की गल, घर की तरक्की नहीं। अब इस घर में बैठी है, इस घर में इधर की बात उधर और इधर की बात उधर, जब तक शाम को कलह प्रिया यानी दो चार घरों की, दो चार पड़ोसी पड़ोसियों की लड़ाई ना करवा दे तब तक रोटी ना पचे धुंधली को, है ऐसी धुंधली। और उसके बाद सूराज गृहकारे सु, अपने घर के काम जल्दी जल्दी निपटा दे और फिर चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। कलह प्रिया, कृपण कंजूस भी बहुत और लड़ाई झगड़ा करवाने वाली भी थी, ऐसी स्वभाव उसका। और दूसरी सबसे बड़ी गलत बात है कि पति का कहना मानने वाली नहीं थी, अवज्ञा करती थी और संतान की इच्छा रखती नहीं थी। देखो वंश वृद्धि जब नहीं होती है, हमारे ऊपर तीन प्रकार के ऋण चढ़े होते हैं आदमियों इंसानों के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर जन्म से ही तीन कर्जे चढ़ जाते हैं। हमने जन्म लिया, हमारे ऊपर तीन कर्जे आ गए। सबसे पहला कर्जा आ जाता है ऋषि ऋण, और दूसरा है देव ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। ये तीन कर्ज है, सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, जन्म से है, हम इनको उतारना पड़ेगा। ऋषि ऋण उतरता है तब जब हम विद्या अध्ययन कर लेते हैं, कुछ वेद शास्त्रों के मंत्रों को सीख जाते हैं, कुछ अपने धर्म कर्म पूजा पाठ में शामिल होना की रूटीन जिंदगी में बना लेते हैं, तो ऋषि प्रसन्न हो गए हमारे, उन्होंने अपना कर्जा हटा लिया, वापस ले लिया कि भाई ये पढ़ लिख बैठा अब और वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया, अपने संस्कारों का, सनातन धर्म का इसको ज्ञान हो गया। और दूसरा है फिर देव ऋण, देवताओं का कर्ज, यज्ञ हवन इत्यादि करके, जग इत्यादि करके देवता प्रसन्न होते हैं तो उनका कर्जा यूं उतारा जाता है। और तीसरा है पितृ ऋण, पितृ ऋण पितरों के निमित्त, अगर कहते हैं आप ज्यादा कुछ ना भी कर सको तो अगर आपके घर में अगली संतान चल पड़े, अगला वंश वृद्धि आगे हो जाए, इन पितरों को जल देने वाला अगले अगली पीढ़ी में भी तैयार हो गया, वंश वृद्धि हो गई, संतान आपके आगे हो गई, तो इसका मतलब आपके पितरों का ऋण भी उतर गया, ठीक है। तो तीन प्रकार के ऋण, अब ये दो तो इसने उतार दिए, तीसरा उतरा नहीं आत्मदेव का, क्योंकि संतान नहीं है, ये चाहता भी है तो धुंधली नहीं चाहती है संतान। आखिर इसने एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि देखो जिस घर में 24 घंटे लड़ाई रहती है, परेशानी रहती है, कलह वाली पत्नी है, परेशान करती है, संतान कोई बच्चे है नहीं घर में,
अगर बच्चे हो तो चलो लड़ाई भी कर रही है कोई बात नहीं, तो बच्चों से मुंह लगा ले बात कर ले तो दिल हल्का हो जाए। लेकिन यहाँ इस घर में बात करूं तो करूं किससे, जब भी करूं तो कलह झगड़ा है। आखिर एक दिन उसने विचार किया इस घर से तो मरना अच्छा है, और घर छोड़ा और आत्मदेव जंगल को मरने के लिए गया। वहां पर एक संत महात्मा जी मिल गए, और देखिए जब जब किसी को परेशानी के समय जीवन में संत महात्मा कोई मिल गया तो समझो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। संत महात्मा मिल गए, कहा भाई तू कहां जा रहा है? कि महाराज मैं मरने को जा रहा हूँ। तो पूछा क्यों मरने को जा रहा है? कि संतान नहीं है घर में, औलाद नहीं है, बड़े उपाय किए कोई संतान हुई नहीं। उस महात्मा ने समझाया कि संतान जिनके थी भी, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनको कोई बड़ा सुख नहीं मिला सबको। न च इंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकां जीविना। अरे ब्राह्मण इंद्र जैसे राजा जिसका जयंत नामक पुत्र हुआ, आज्ञाकारी नहीं था, उसके कारण इंद्र को भी दुख हुआ, कोई आनंद नहीं आया कि मेरे संतान है इंद्र को। और आजकल की संतान बहुत कम ऐसी है जो माता पिता को सुख दे सकती है, अन्यथा बहुत सी घरों में यही इसी प्रकार की संतानें आ गई है जो हमेशा माता पिता को परेशान परेशान किए रखते हैं। मनुष्य अपने दुखों से परेशान नहीं है, अपने कार्यों से परेशान नहीं है, लेकिन इंसान किस चीज से परेशान है? दूसरों की वजह से, संतान की वजह से, या अशांति है धन संपत्ति की वजह से, पारिवारिक संपत्ति की वजह से, तब जाकर के मनुष्यों के मन में अशांति अशांति फैली है। बोला तू क्यों चाहता है संतान? संतान के बिना भी तू शांत रह सकता है? विरागी होता है, जो विरक्त होता है, संत महात्मा है, उसके तो संतान कहते हैं होती नहीं है, तो वो भी तो आनंद से जीवन व्यतीत करता है और मस्ती में रहता है। तो इस चिंता को छोड़ नहीं मारा, नहीं मारा, मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, और महात्मा के पैर पकड़ लिए। महाराज मैं मर जाऊंगा, आपके पैरों पे माथा पटक दूंगा, सिर फोड़ दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी अगर आप मुझे उपाय नहीं बताएंगे, कोई मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे संतान का। महात्मा ने कहा ये बला कहां से आ गई है, ये ब्रह्म हत्या मुझे लगा रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा इसका है? मैं तो भला जंगल जंगल में तपस्या करने जा रहा था, ये बोलता है मैं ब्रह्म हत्या लगा दूंगा, मर जाऊंगा तेरे चरणों में, अब छुटकारा कैसे पाऊं? आखिर उस महात्मा ने कहा देखो आत्मदेव, मैंने अपने ध्यान लगा करके तेरी जन्म कुंडली पढ़ ली है, तुझे 7 जन्मों तक औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। ये नहीं कहा कि संतान नहीं है, पर संतान अगर हो भी जाए तो सुख नहीं है। कहा महाराज कैसी भी हो पर दे दो। महात्मा ने झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव के हाथ में रखा, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और गुणवान पुत्र पैदा होगा। पंडित जी आत्मदेव जी घर में आ गए, धुंधली को फल दिया और नियम बता दिए, ऐसे खाना ऐसे रखना। धुंधली ने विचार किया कि अगर मैं इस फल को खा लूं तो मैं हो जाऊंगी गर्भवती। जब गर्भवती हो गई तो अनेक परेशानियां मुझे आएंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, चलने में दिक्कत होगी, ऐसी कई परेशानियों को गिना दिया। तो मैं चाहती हूँ कि ये संतान मेरे होवे ही ना, बच्चे ही ना हो, इस फल को कहां फेंकूं? ये विचार कर ही रही थी, इतने में एक सहेली आ गई। वही बात आ गई ना कि दरानी जठानी या भाई भाई से शेयर नहीं करते बात, अपने कष्ट अपनी समस्याएं सखियों से, सहेलियों से शेयर हो रही है। कहा मैं इस फल की वजह से दुखी हूं। सहेली ने कहा खा ले तेरे संतान हो जाएगी, अच्छी बात है। ना 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 ना, ना संतान नहीं चाहिए मेरे को। बोला क्यों नहीं चाहिए? दुनिया संतान के पीछे भागती है और तू संतान से मना कर रही है। अब धुंधली का जवाब देखिए, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं, धुंधली का जवाब देखें। धुंधली ने फल खाने से मना कर दिया और कहा फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उद्रवृद्धिता। अरे फल खाऊंगी गर्भ हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, चलने में दुख होगा, परेशानी होगी। और स्वल्प भक्षम ततो अशक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्, तब खाने पीने में मेरी रुचि कम हो जाएगी। मैं तो 5-7 रोटियां खाने वाली है, फिर कुछ की थोड़ा बहुत ही खाई होना, अरुचि हो जाएगी, जो खाऊंगी वो भी अरुचि हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई कि मैं इसलिए गर्भ नहीं चाहती हूँ। और दूसरा कह दिया चलने में दिक्कत होगी, आलस छा जाएगा,
और गृह कार्यम कथम भवेत, फिर घर के इतने झाड़ू पोछा का काम कौन करेगा, मेरे से तो होगा नहीं। और कहा कि दैवाद धाटियत भवेत ग्रामे पलायित गर्भणी कथम, बाई चांस गांव में आग लग गई, या गांव में चोर आ गए, डाकू आ गए, और सारे लोग ये अड़ोसी पड़ोसी भाग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, घर में मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, है वो सब मेरे को ही मारेंगे, किसी ने नहीं बचाना मुझे, इसलिए ना 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 ना। देखो ऐसे ये व्यर्थ की है, वो व्यर्थ की चिंता है, ठीक है, व्यर्थ की चिंता है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चिंता पहले ही है। हमारे एक कहावत है कि हमारे उधर हमीरपुर बिलासपुर की तरफ बोलते हैं, ये बुजुर्गों से सुनी है बात कि कुड़ी खेता ना कुड़ी पेटा कणक खेता है, जो आएंगे तो बंडे खा, यानी अभी है ही नहीं है, लड़की पेट में है, अभी ज्वाई आने की तो बात ही कहा, और कणक खेत में है, अभी उसका बीज ही नहीं निकाला है, और ज्वाई को बुला लिया आ जा तो खा ले है? तो जो चीज हुई नहीं है धुंधली, अभी से चिंता में है, अभी से परेशान है, और कहा ना 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 मैं खाऊंगी नहीं इस फल को, बिल्कुल नहीं खाऊंगी, के कहा सुख अपने सेत गर्भम कुक से कथम उत्सर्जेत। और अगर सुखदेव महाराज जैसे माता बिटका के गर्भ में 12 साल बैठे रहे थे, अगर ये बालक मेरे गर्भ में 12 साल बैठे रहेगा, हा हा हा, तो मैं तो मर जाऊंगी, 12 साल तो मैं कैसे बैठी रहूंगी ऐसे, ना 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 ना, संतान नहीं चाहिए, मैं बांझ रह जाऊं, बंध्या रह जाऊं, पर संतान नहीं चाहिए। तो सहेली ने बोला अच्छा चलो ऐसा करो, तेरे को चलने फिरने में दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है, तेरे को हेल्पर मिल जाए अगर कोई सहायता करने वाला, बोला कौन मिलेगा, तो कहा तू अपनी ननद को बुला ले, सबसे अच्छी तो ननद है कि घर में आएगी, और ननद को अपने भाई के घर बसने की बड़ी खुशी भी होगी, भाभी का घर बसेगा, भाई का घर बसेगा, कहते वो आजकल फ्री है तेरी ननद, उसको बुला ले, वो तेरी सहायता करेगी। अब भाभी ने विचार किया धुंधली ने कि बुलाऊं कि ना बुलाऊं ननद को, फिर विचार किया, देखिए ये बड़ा एक क्रिटिकल एक मोड़ है, प्रश्न है कि जब तक लड़कियां घर में हैं, उनका स्थान कहाँ है, सोचिए जरा, बहुत से घरों की बात है, एक घर की बात नहीं, जब तक लड़कियां आपके घर में है, लड़की है, जब तक शादी नहीं हुई है, उसका स्थान पूर्ण है, 100% है आपके घर में, और जब विवाह हो जाता है तो किसी किसी घर में, भगवान ना करे ऐसा किसी के हो धुंधली की तरह, अब ये धुंधली जिसकी बुद्धि में पर्दा पड़ा हुआ है, वो कहती है मंदाया मैं सर्वस्व ननंदा संघरितदा, अगर मैं ननंद को बुला लूं, ननंद को बुला लूं, तो ये तो बात स्पष्ट है कि मैं सभी कमरों में नहीं जा पाऊंगी, मैं मंद मंद चलूंगी, और वो फटाफट चलेगी, इधर से उधर जाएगी ननंद है, और तब तक जब तक मैं खजाने तक पहुंचूंगी, ट्रंकड़ तक पहुंचूंगी, वो ट्रंकड़ लेकर के बोले सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए ना 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 उसको तो बुलाना ही नहीं, मैं औलाद के बिना रह जाऊं चाहे, उसको नहीं बुलाना है, ये कलयुग है, ये कलयुग है, बोले सच्चिदानंद भगवान की, सत्य शौचादि नियम दुरासाध्याच दृश्यते। और जो आत्मदेव ने नियम बता दिए कि फल खा के ये नियम अपनाने हैं, मैं तो ठहरी आलस वाली, ये व्रत तप नियम मेरे से नहीं होते, मैं नहीं करने वाली, लाल ने पाल ने दुखम प्रसूतायाश वर्तते, अगर बालक हो भी गया तो पालने पोसने में तो बड़ा दुख होता है, हाँ हाँ 4-5 साल तक कौन बच्चे को पाले, कभी बिस्तर गीला कर देगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, फिर मैं घर में उलझ गई, फिर तो मैं जा नहीं सकती कहीं नहीं, क्योंकि दिन में उसकी रूटीन थी 2-4 घरों में घूमना फिरना, जब अपने घर में बच्चा होगा तो नहीं जा पाएगी, इसलिए कहा बंध्याच विधवा नारी सुखिना चेति मे मति। मेरा विचार है, धुंधली कहती है कि जो स्त्रियां बांझी होती है जिनके संतान नहीं होती, या विधवा हो गई जिनके संतान ही नहीं, कहता है वो सर्व सुखी है कि उनको बच्चों का झंझट नहीं है। अब उल्टी बुद्धि देखो, दुनिया बच्चों के लिए तरसती है, लेकिन ये धुंधली मना करती है। तब सहेली ने सलाह दी कि तुम तेरे को इतनी सलाह दे दी, अब नहीं खाना है तो मर, लेकिन फिर भी सहेली हो तेरी, एक सलाह फिर देती हूं कि तू ऐसा कर, ये फल गाय को खिला दे, तेरे घर में एक गाय बंधी है, उसके कभी बच्चा हुआ ही नहीं, उसको खिला दे तो महात्मा का सच्चाई का पता चल जाएगा कि फल में कुछ असर है भी कि नहीं। दूसरी बात कि आत्मदेव तुझे फल लाया है,
उसका मन भी रह जाएगा, मेरे पेट में भी एक बच्चा आजकल पल रहा है, मेरे घर में दो चार पहले भी है, तो ये वाला बच्चा जब पैदा हो जाएगा चुपके से तुझे दे जाऊंगी और तू बोल देना कि ये मेरे घर में हुआ है, आत्मदेव से झूठा बोल देना, बात तय हो गई, सौदा पैसों का भी हो गया, समय आया। तो एक बार तो वो फल तो अगले दिन गाय को खिला दिया था, लेकिन इधर सहेली के घर में जब वो पुत्र पैदा हुआ तो चुपके से रातों रात धुंधली को समर्पित कर दिया, और धुंधली ने आत्मदेव को बताया कि हमारे तो पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न के, हे महाराज मुझे मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, आपकी भगवान संतान मिल गई, खुशियां मनाई गई। लेकिन धुंधली ने अगले ही दिन एक सवाल और कर दिया आत्मदेव से कि एक समस्या और आन पड़ी है पंडित जी, कि मेरी छाती में दूध ही नहीं है, होना कहां से था, पैदा तो हुआ ही उधर है ना, हाँ तो दूध नहीं है छाती में, पर एक बात है, वो जो एक मेरी सहेली है फलां गांव में, उसके एक बालक हुआ था, एक दो दिन में वो मर गया है, अगर मैं उसको यहाँ बुला लूं तो वो मेरी हेल्प कर देगी, वो दूध पिला देगी। आत्मदेव भोला बेचारे को ले आ, उसी सहेली का बच्चा पाल रही थी, ले आई दूध पिलाया, पैसे लिए चली गई, जब बड़ा हो गया अपना काम हो गया, आत्मदेव ने बड़ी खुशियां मनाई, बच्चे का नामकरण करना था, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 11वें 13वें दिन नाम भी रखा जाता है। धुंधली ने कहा खबरदार पंडित को बुलाया, मैं रखूंगी नाम, कोई जरूरत नहीं पंडित से पूछने की, अक्षर पूछने की, क्योंकि मैं हूं धुंधली और मैं रखूंगी इसका नाम धुंधू का। बोले सच्चिदानंद भगवान की, इसका नाम धुंधुकार रखूंगी। पंडित जी ने बोला भली तेरी मर्जी है, रखी दे, पूछता भी कौन आजकल है, मासियां चाचियां ताइयां यही रख दिया नाम, और नाम भी ऐसे ऐसे विचित्र रख देती हैं जो बोलने में नहीं आते है ना, जिनका अर्थ का पता भी नहीं चलता हमको, ऐसे नाम आजकल रख दिए जाते हैं। ये तो पुराने जमाने में क्या बड़े सुंदर नाम होते थे, मोहन सोहन है ना जी, सीताराम बड़ा सुंदर नाम था, सीताराम भी दोनों के नाम इकट्ठा ही है, माँ सीता का भी और राम का भी, ऐसे सुंदर अच्छे नाम होते थे। और क्या इन नामों को बोल करके वैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता था, पुण्य मिलता था, ना चाहते हुए भी भगवान का नाम आप ले लेते थे, लेकिन अब आपने नाम रख दिए उल्ट पुलट, तो बोलने नहीं आते, दादिया तो गलाने नहीं आते, सर नाम बोलने नहीं आते, बोलियां भी हो जा रही है, तो ऐसा नाम रख दिया धुंधुकार। धुंधुकार अब बड़ा लगा होने, और उधर गाय को जो फल खिलाया था तो गाय भी 3 महीने बाद, जब धुंधुकार पैदा हुआ उसके 3 महीने बाद गाय के प्रसव हुआ, 1 वर्ष के बाद यानी, और गौकर्ण महाराज का जन्म हुआ। ये बालक बहुत गुणी था, देखने में आदमी जैसा, लेकिन कान उसके गाय के थे, क्योंकि फल तो था वो महात्मा का दिया हुआ, बहुत बड़ा विद्वान बना, गुणीवान बना, और उसका नाम पड़ा गौकर्ण महाराज। बोलिए गौकर्ण महाराज की। बच्चा धुंधुकार बड़ा हुआ, तंग करने लगा, परेशानियां करने लगा, शिकायतें आने लगी, चोरियां डाका करने लगा, माँ के पास शिकायत आती, पिता के पास शिकायत आती, पिता ने माँ को पूछना है कि लोग भाई ऐसा बोल रहे हैं हमारे बच्चे के बारे में, चोरियां करता है, मारता पीटता है लोगों को। अब धुंधली ने पक्ष अपने बेटे का लिया, ना 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 ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये पड़ोसी बड़े खराब है, ये पिटवाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं हमारे बच्चे को। आत्मदेव चुप, हो सकता है पड़ोसी खराब हो भाई, है हमारे बच्चे पर लांछन लगा रहे हैं। लेकिन धुंधली उस समय अपने बच्चे की गलतियों को छुपाती रहती है, और धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, और एक बार आत्मदेव को ऐसा लगा कि अब तो गांव के लोग सारे शिकायत लेकर के आ रहे हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, अरे पत्नी कहना नहीं मानती है, हर बात छुपाती है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, और पुत्र आंखें दिखाता है बाप को, इससे तो घर छोड़ करके जाना ही अच्छा है, और मरने के लिए उसी जंगल में आत्मदेव फिर चला गया। फिर महात्मा मिल गया, महात्मा ने कहा भैया आज कहाँ चले हो, कि महाराज मरने को आया है, कि जब तेरे औलाद घर में नहीं थी तो भी दुखी था कि हा हा औलाद के बिना दुखी हो, अब तेरे घर में औलाद हो गई है तो भी दुखी है, इन्हें सुखी आदमी किसी भी स्थिति में नहीं है, ना औलाद से पहले ना औलाद के बाद, कहते अब फिर तू दुखी है कि ना महाराज अब तो प्राण ही त्याग दूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। तब इससे पहले गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को उसी आत्मदेव को कहा था, हे पिताजी इस देह अस्थि मांस शरीर का ढांचा जो बना है इससे मोह ममता छोड़ो पहले, और बनम गच्छ
त्यज गृहम वनम गच्छ, घर को छोड़ो, जंगल को चले जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो। तो धुंधुकार की बातों से तंग आकर के गौकर्ण से दूसरा जो महात्मा का दिया हुआ फल गौकर्ण के रूप में पैदा हुआ था, उससे शिक्षा पा करके, उससे ज्ञान प्राप्त करके आत्मदेव जो है वो जंगल को जाता है और महात्मा मिल गया। महात्मा ने कहा आत्महत्या करना पाप है, जो आत्मघाती होता है, आत्महत्या करता है, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। तो आत्महत्या की नौबत नहीं आनी चाहिए। शास्त्र में कुछ एक जगह आत्महत्या कर लेने के लिए बताया गया है। वैसे निर्णय सिंधु में एक दो जगह आता है कि असाध्य रोग हो जाने पर, वो भी यानी कि गला घोंट के मार लो, जहर पी के मर जाओ, नहीं, असाध्य रोग बिल्कुल ही असाध्य रोग हो जाए तो उस व्यक्ति को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था उसकी इच्छा के अनुसार, या ऊंचे शिखर से उसको गिराने की बात है। लेकिन ये भी कोई उचित बात है नहीं। शास्त्र कहता है कि नहीं, जो स्वाभाविक मृत्यु होती है, जब धीरे धीरे मनुष्य को पता है कि मैंने अब मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है, कहता है उसमें ठीक है, वो प्रिपेयर है, तैयार है उसके लिए। और जो आत्महत्या के अभी एक क्षण में मैंने मरना है, तो उसके लिए परिवार प्रिपेयर नहीं होता है, लोग प्रिपेयर नहीं होते, रिश्तेदार प्रिपेयर नहीं होते, सब जगह अशांति अशांति उससे फैलती है। तो ये निषेध किया गया है, यानी आत्महत्या का। वो पापी है आदमी, उसका कल्याण नहीं होता है कई जन्मों तक आत्महत्या करने वाले का। तो आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए, ये कार्य लोगों का काम है। अब उसको सलाह दी कि तुम आत्महत्या करने के बजाय शरीर से विमोह पैदा करो, शरीर के साथ मोह मत रखो और तपस्या में लीन हो जाओ। आत्मदेव तपस्या में लीन हो गया, वृद्ध हो गया बाद में, और भगवान के श्री चरणों में ध्यान करके बाद में प्राण त्यागता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब 10 मिनट और लेके आज की कथा जो नहीं जानते, राकेश राणा जी एक बार जरा सब आपके दर्शन कर लें। ये बहुत ही समाज सेवी कहीं के लिए ताली जरूर हो जाए, ये हर जगह समाज सेवा में भाग लेते हैं। और ये नहीं कि आज ये हमारे जब जब भागवत यहाँ हुआ है, ये अपना पूरा सहयोग, पूरा योगदान हर तरीके से देते आए हैं। तो इनका ये चैनल है, अभी आपने यहाँ पर अंद्रेटा गांव के बारे में भी इन्होंने एक रील बनाई थी और यूट्यूब पे डाली, वो बहुत फेमस हुई है। पूरे अंद्रेटा गांव का इनके पास ड्रोन से वो फोटो लेकर के, वीडियो लेकर के वो डाला है उसमें, और उसके बाद आशापुरी का भी इन्होंने डाला है। ये जगह जगह इस तरह जाकर के हमारे कल्चर को हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। राणा जी के लिए एक बार ताली, धन्यवाद राणा जी आपके कवरेज के लिए। आइए एक भजन के बाद फिर आरती के लिए सभी खड़े होंगे। आज का चिंतन ये रहा कि हे प्रभु, रिजल्ट मिशन यानी ये रहा सारांश आज की कथा का कि हे प्रभु, अगर मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। चलो मैं ये नहीं मांगता हूँ कि ये दे दो, ये दे दो, बस इतना करना प्रभु कि मेरे मन को विषय वासनाओं से हटा करके, अशांति से हटा करके अपने चरणों में लगा देना, ताकि मुझे शांति मिल सके। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मन हरि चरणों में लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मन हरि चरणों में लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई
भाग की, बोलिए भागवत महापुराण की। आइए आज के यजमान विजय नारायण जी आगे आए, आरती की थाली लें, सभी भक्त जन अपने स्थान पे खड़े होंगे और आरती के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। प्रेम से आरती करते हैं।